जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। जो खुद बालाजी चला रहे हैं और वंशु डीपी के ब्लॉग से, उसमें भी आपका स्वागत करता हूँ, जो उसे भी बालाजी ही चला रहे हैं। हम तो खैर क्या कुछ भी नहीं, हमारी क्या औकात है। अब मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम से रूबरू कराऊंगा और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। कुछ बच्चे हैं जो मेल कर रहे हैं इस तरह का। एक बच्चे का मेल आया, वो हनुमान जी को गाली बकरा डायरेक्ट, ये बंदर को पूज लिया मैंने, इस बंदर का मैंने क्या बिगाड़ा था, सुनना बात को पूरी। दो बच्चे हैं, दोनों के बारे में बताऊंगा। इसका मैंने क्या बिगाड़ा था बंदर का, 7 महीने से पूज रहा हूं, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मरने तक की नौबत आ गई है, फलाना ढिमकाना। जब 2 दिन 2 3 लाइन बताई, इससे समझ लो वो क्या क्या सोच रहा होगा। चलो कोई बात नहीं। फिर उसने बोला मेरे को इस बंदर पे और बंदर के जितने भक्त हैं तुम्हारे जैसे, इन पे भरोसा ही नहीं है, तुम सबकी वजह से जिंदगी खराब होगी, फलाना ढिमकाना फलाना ढिमकाना। उसने बहुत बहुत कुछ लिखा। तो मुझे लगा भाई देखो, बहुत मेल करे होंगे उन्होंने, हो सकता है, क्योंकि मैंने तो मेल करने के लिए सबको मना कर रखा है। आप मेल करके मेल पे मेल, मेल पे मेल करे जा रहे हैं, मेल पे मेल करे जा रहे हैं, मैंने तो मना कर रखा है। उसके बाद भी मेल कर रहे हैं तो मेरी गलती नहीं, क्योंकि मैं मेल नहीं देख पा रहा, तो मेरी गलती नहीं है, है ना। अच्छा, दूसरी बात, मैं किसी से कहता ही नहीं कि आप मुझे सुपर चैट करो या इस चैनल के मेंबर बनो। आज तक मैंने कभी बोला हो किसी वीडियो में तो मुझे बता देना कि मैंने आपसे कहा हो कि इस चैनल के मेंबर बनो तब मैं आपका जवाब दूंगा, या आप सुपर चैट करो तो आपका जवाब दूंगा। ऐसा अगर मैंने किसी वीडियो में कहा हो तो मुझे बता दो, मैं चैनल उसी दिन बंद कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, इन्होंने बोला मैंने मेंबरशिप ले रखी है, लेकिन मेरे जवाब नहीं देते आप, इग्नोर करते हो, इग्नोर करते हो, इग्नोर करते हो। चलो, ये इनका कहना है। चलो, अब मैंने जब इनका मेल देखा तो मैंने कहा हनुमान जी को इतना गाली क्यों बकरे हो तुम, और मुझे इतना गाली क्यों बकरो, क्या रीजन क्या है। तो इन्होंने बताया बहुत बड़ी समस्या हो गई है, मेरा मरने को मन कर रहा है, जी कर रहा है, ट्रेन से कट जाऊं, ये है वो है फलाना ढिमकाना, रोज बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ। तो मुझे मुझे जो थिंकिंग में आया वो ये आया कि शायद इनके घर में कोई मौत मौत हो गई होगी, बहुत पैसे की भारी भारी समस्या आ रही होगी, बहुत तगड़ी परेशानी होगी बच्चे को उसको, या भूत प्रेत ने बहुत तंग कर रखा होगा और हनुमान जी की कृपा इन पर नहीं हो रही है, शायद ये होगा। तो मेरे को लगा, पहले तो मैंने इनको बोला कि आपको हनुमान जी गाली दे रहे हो, आपको जवाब देना बनता ही नहीं है, फिर भी आपसे मैं ये पूछ लेता हूं कि बताओ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो पता हो, इतना हनुमान जी को गाली बकरे हो, मुझे इतना उल्टा बोल रहे हो कि प्रॉब्लम तो मालूम चले। तो इन्होंने जो प्रॉब्लम बताई, शायद आपका भी दिल कांप जाए, मुझे बताना दिल कांपा गया। इन्होंने बोला मेरे को 75% 12th में चाहिए थे और मेरे 50% आए, ये प्रॉब्लम है मेरे। दिल कांप गया आपका, पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मात्र 25% नंबर कम आने से, या इन्होंने मौज मस्ती ज्यादा की, पढ़ाई कम करी, उस वजह से हनुमान जी को गाली बक रहे हैं, हनुमान जी के सारे भक्तों को गाली बक रहे हैं। ये बच्चा पैरों को नीचे जमीन जमीन गुजर गई होगी, निकल गई होगी ना, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। दुनिया में कोई इतना बड़ा परेशान नहीं है, उतने दुनिया दुनिया परेशान है भाई, वो हनुमान जी को नहीं उल्टा बोल रहे हैं, ये बच्चा सिर्फ 25% के पीछे, इतनी सी बात के पीछे मरने को तैयार है, रेल से कटने को तैयार है। हनुमान जी को गाली बकरा, हमें गाली बकरा, हनुमान जी के सारे भक्तों को गाली बकरा, आप सबको गाली बकरा है। मैं मेल नहीं बताऊंगा इसका, बस इसका इस बच्चे को सोल्यूशन बताना है मुझे। तो मैंने यही लिखा कि आप तो बड़े बेवकूफ हो, इतनी सी प्रॉब्लम के पीछे अपने भगवान को गाली बकरो, जो कि 7 महीने पूजा करी आपने, आप मतलब ही हो, पूजा किस लिए कर रहे थे आप, हनुमान चाहते इसलिए पढ़ रहे थे कि मेरी मेरे को पास करा दो, पढ़ लेते ना इसकी वजह। हनुमान जी ने क्यों मदद नहीं करी पता है, तुम्हारा नेचर, तुम्हारे अंदर की गंदी सोच, उन्हें पता थी कि आगे 6 7 महीने बाद क्या करने वाला, क्योंकि वो भगवान है, आप भगवान नहीं, वो भगवान है, उन्हें पता है आगे क्या करने वाला, इसलिए ऐसे व्यक्ति पे कभी भी हनुमान जी हाथ नहीं रखते हैं। ऐसा ही इनके साथ हुआ। अब ये बोल रहे हैं मुझसे गलती हो गई, ये होगा वो हो गया, भैया क्या करो। बहुत सारे मेल पे मेल, मेल पे मेल, मेल पे, जब भी कभी गलती से मेल पे क्लिक हो जाते, इनका मेल जैसे नजर आता है मुझे, मैंने इनको ब्लॉक कर दिया। लास्ट मैसेज ये लिखा, उसके बाद ब्लॉक किया, लास्ट मैसेज ये लिखा कि मैंने कहा आप हनुमान जी की पाठ विधि करें और हनुमान जी कृपा करेंगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, बस। क्योंकि मैं तो किसी काम का हूं ही नहीं, आपने तो मेरे को मतलब से जोड़ दिया ना कि मैंने मेंबरशिप ले रखी है, ये है वो है, भैया मैं तो कहता ही नहीं कि मेंबरशिप लो, आप ले रहे हो। कोशिश रहती है मेरी जरूर जवाब में दूं, लेकिन मैं कहता ही नहीं कि आप मेंबरशिप लो तब जवाब दूंगा, ना मैं आपसे ये कहता कि आप मुझे सुपर चैट करो तब मैं तब जवाब दूंगा। आप करते हो ठीक है, तो मैं जवाब देता हूं। मेल्स के भी कभी कभार किसी किसी के रिप्लाई चले जाते हैं, या मैं ऐसे वीडियो बना करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप चाहो कि मैं तुम्हारे घर बैठ जाऊं आकर के, वो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। हमारे चैनल का मोटिव ये है कि आपको भक्ति कराना, सिखाना, हनुमान जी से जोड़ना, ताकि हनुमान जी से कनेक्टिविटी आपकी डायरेक्ट जुड़े,
आप भी हमारी तरह भक्त बन सके, बागेश्वर वाले जैसे भैया जैसे भक्त बन चुके बन सके, हनुमान जी की कृपा आप पे डायरेक्ट हो, ये हमारा मोटिव है। आप खुद भजन करें, आप मरने के बाद भूत ना बने ये चाहते हैं, बस ये हमारा। इसलिए कुछ विधियां बताई हुई। ऐसा ही एक बच्चा और है जिसको पढ़ाई में इशू आ रहा है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है। उसने भी कहा मैं बहुत ज्यादा डाउन हो गया हूं, मैं सोचता नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ऐसे जितने भी बच्चे हैं, अच्छा दूसरे वाले ने तो कुछ नहीं बोला हनुमान जी के लिए, दूसरे वाला परेशान बहुत है, मरने के सुसाइड थॉट्स आते हैं, क्या करूं आजकल ऐसा आजकल वैसा। भैया हनुमान जी पे भरोसा रखो और पढ़ाई करते रहो, हनुमान जी की पाठ विधि करते रहो, मंगलवार शनिवार पढ़ा चढ़ाते रहो और अपनी पढ़ाई करते रहो, बाबा सब कृपा करेंगे। बस विश्वास रखो, एक बार आप फेल हो जाए या एक बार नंबर कम आ जाए इज नॉट राइट कि तुम मर जाओ। लाइफ बहुत बड़ी है, इतनी सी प्रॉब्लम की वजह से अपनी मम्मी पापा कह रहे हैं कि मम्मी पापा की वजह से रह जाता हूं, नहीं तो मैं छोड़ के चला जाता, बालाजी में चला जाता, सब कुछ छोड़ छाड़ के। भाई अपनी पूरा पूजा पाठ पढ़ाई के साथ करो, कर्तव्यों को निभाते हुए भक्ति करो, भगवान पे दोष मत डालो। आप तो भाग करके घर से चले जाओगे, बालाजी में रुक जाओगे, वहां पर कुछ काम करने लगोगे, लेकिन घर वालों को क्या लगेगा, हनुमान जी ने हमारा लड़का छीन लिया, वो जिंदगी भर हनुमान जी के दोषी हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा काम ना करें, अपनी पढ़ाई से ना भागे, अपने कर्तव्यों से ना भागे। आप पढ़ नहीं पाए, उल्टे पुल्टे काम करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, उसका खामियाजा हमारे हनुमान जी महाराज और आपके हनुमान जी महाराज नहीं भुगतेंगे, आप ही भुगतेंगे। हाँ उसका प्रभाव कम हो जाएगा इनकी भक्ति से, इसलिए हनुमान जी की पाठ विधि करते रहे। हम हनुमत रुद्रात के हंगपट पांच वाला रोज करते रहे, बाबा ने चाहा तो सब ठीक होगा। लेकिन ये ना सोचें मैं तो अब, ये बच्चा जो पहले वाला था वो क्या कहता है, हनुमान चालीसा भी पढ़ के देख ली मैंने, बजरंगवाणी पढ़ के देख लिया मैंने, शत्रुघ्न पढ़ के देख लिया मैंने, मैं क्या घंटा हूं जो मुझे बार बार बजाया जा रहे हैं सबके सब, कभी मैं क्या क्या करता रहूं, क्या क्या करता रहूं बताओ भैया, मैंने तो कहा ही नहीं कभी किसी से ये कर ले भाई, ये कर ले, ये कर ले। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, जब हनुमान जी को तो पता है ना, पहले सदियों सदियों की पहले की बात, सदियों सदियों के बाद तक की बात उन्हें पता है, उन्हें तो पता है ये बच्चा कैसे निकलेगा, है ना। आप फ्रस्ट्रेट हो इसका मतलब तुम फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकालोगे, गलत है। हम तो बहुत लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आप मार्ग से भटक गए, इट्स योर फॉल्ट, इट्स नॉट माय फॉल्ट, ठीक है। हनुमान जी कृपा करें आप पे भी, मैं ये चाहता हूं जो बताया ये करें। इन दोनों बच्चे की तरह और बच्चे भी होंगे, बड़े लोग भी होंगे, कुछ बूढ़े भी होंगे, उन सबको संयम रखना चाहिए। कर्म आपने करे हैं, अच्छे बुरे पहले करें या अब करें या बाद में करोगे, उनका भुगतान आपको करना है, हनुमान जी को नहीं करना है ना मुझे करना है। अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे कर्म से भगवान की भक्ति से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, अब नंबर कमाए अगले बार ले आओ, ठीक है। आपकी पढ़ाई में कमी होगी, आप चाहते हो कर्ज, कर्ज बंधन वाले ये चाहते हैं कि मेरा कर्ज उतर जाए, मैं हनुमान जी का ये पाठ कर रहा हूँ ये पाठ कर रहा हूँ, तो हनुमान जी करते हैं ना, रास्ते खोलते हैं आपके लिए। आप चाहते हो कि दो अटैची भर के आपको पैसे लेके आए, आपके घर में रख के चले जाएं, ये नहीं होगा, वो रास्ते खोलेंगे आपके। वैसे ही पढ़ाई वालों के रास्ते खोलेंगे, ये नहीं होगा कि पेपर देंगे हनुमान जी जाएंगे, आप ही को देना बेटा होगा, दोष किसी और को मत लगाओ, ठीक है। तो हनुमान जी की पाठ विधि करें, मंगलवार से मंदिर जाए, हनुमान जी कृपा करेंगे, बल बुद्धि विद्या मिलेगी, विद्या और चाहिए। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के दाता हैं। सरस्वती वंदना किया करो पढ़ने से पहले रोज सुबह, और सरस्वती माता का दीपक जलाकर हनुमान जी के साथ जाओ, इतनी बुद्धि मिलेगी तुम पर संभाली नहीं जाएगी। हनुमान जी कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी समस्या का समाधान करें। जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।